पीएम इंडस्ट्रीज, आप देखिए स्क्रीन पे जो नाम आ रहा है, गजब की कंपनी है। और इस स्टॉक को मैंने दो बार जेम्स में कवर किया था, पहले मैंने 6 अक्टूबर 2020 को किया था, तभी भी टारगेट अचीव हुआ, और फिर मैंने अभी अप्रैल में रिसेंटली कवर किया और वहां पे भी ये टारगेट अचीव हुआ, और बहुत मजबूत दिख रहा है चार्ट्स पे। मेरे जो टेक्निकल एनालिस्ट फ्रेंड्स है पैनल पे, वो लोग सब देखेंगे चार्ट, तो चार पांच दिनों से ये गजब स्ट्रेंथ बना रहा, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंटली कल के डेंजरस मार्केट में भी ये स्टॉक पॉजिटिव में था, सो दैट वाज अ वेरी बिग प्लस। और रीजन भी है, इस सब के रीजन है, एक तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑटो और ऑटो एंसिलरी में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। दूसरी बात यह कि इस कंपनी का आउट परफॉर्मेंस गजब का रहा है, पूरे अगर सेक्टर में देखिए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट ये कंपनी ने दिया है। और दूसरी बात, जो सेगमेंट है उसमें बहुत दम है, एलईडी लाइट्स, और ये कंपनी ऑटोमोटिव लाइटिंग की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इन द कंट्री, 9 प्लांट्स करीब है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर जेके जैन, जो कि इंडस्ट्री में भी काफी फेमस है और काफी एसोसिएशन में रहे हुए हैं, उन्होंने ये कंपनी 47 साल पहले स्टार्ट की थी, तो एक अच्छी खासी पुरानी कंपनी 1300-1400 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, 14 के पी मल्टीपल पे, मुझे इसके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ते लग रहे हैं, 14 का पी मल्टीपल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20-21% और रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% और डेट्स ऑलमोस्ट जीरो डेट, सिर्फ 45 करोड़ का डेट है, और प्रॉफिट की कैगर भी 19-20% के लगभग रही है, डिविडेंड यील्ड करीब 2% के लगभग, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 2x पे, ये सारे पैरामीटर्स देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग एंड अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है। और इस समय जो भी स्टॉक लाएंगे, जैसा कि कल भी बात हो रही थी अनिल जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट चुन के लाना, बट यस लाएंगे सब जबरदस्त और एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड्स के स्टॉक्स लाएंगे। और इसमें भी एक और खास बात जो मैंने देखी, इसमें अब जैसे इतने सस्ते पी मल्टीपल पे कोई स्टॉक है, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, डेट्स भी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मार्क लगता है क्यों इतना सस्ता है, कोई ना कोई और होगा, बट यहाँ पे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस आता है वो सेफ इंडिया का, इसमें 7.5% इक्विटी है जिसका नाम अब एलिवेशन कैपिटल हो गया, तो इस तरीके से प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 67% के लगभग है, FIIs DIIs ने बढ़ाया स्टेक तो 11% के लगभग FIIs DIIs की है, तो इस तरीके की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और अब मैं बोलता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात, आप देखिए जहां सब लोग फाइट कर रहे हैं मार्जिन्स के साथ, इनकी मार्जिन्स मेंटेन रही है 13% के लगभग OPM, और 28 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2021 में, इस बार 34 करोड़ का पैट है, जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है, और एनुअलाइज प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर 94 करोड़ का दिया है। तो इस तरीके की फंडामेंटल्स, इस तरीके के रिजल्ट्स और इस तरीके के प्रोडक्ट पाइपलाइन, और करीब 100 से ज्यादा इनकी अलग अलग अपने ये एलईडी लाइट्स है जो इन्होंने उनके डिजाइन डेवलप किए हुए हैं, यानी एलईडी इल्यूमिनेट्स इन्होंने ब्लैक जैसे सब डेवलप किए हुए हैं, रेलवेज और सबको भी सप्लाई करते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, ऊपर का लेवल ये 1380 का दिखाया हुआ, उसके सामने ऑलरेडी 30% के लगभग करेक्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से 1290 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना।